चर्च के सगुन मंडप में अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति के द्वारा किया गया सम्मेलन। मधुसूदन बावरी बनाए गए जिला अध्यक्ष। चर्च के संग मंडप में अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष गौरीचंद बावरी मौजूद थे। इस सम्मेलन में कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें बोकारो जिला अध्यक्ष मधुसूदन बावरी को बनाया गया। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर तथा बाबा साहब अम्बेडकर की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। सभी ने केंद्रीय अध्यक्ष का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष गौरीचंद बावरी ने कहा कि आज समिति के द्वारा मधुसूदन बावरी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष को केंद्रीय अध्यक्ष मनोनयन पत्र देता है, जिसके पास मनोनयन पत्र नहीं है वो जिला अध्यक्ष नहीं है। जिला अध्यक्ष मधुसूदन बावरी नियुक्त किए गए हैं। अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति का एकमात्र मकसद समाज को लेकर चलना है। कुछ लोग फर्जी तरीके से जिला अध्यक्ष बनकर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका समाज की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सम्मेलन की अध्यक्षता जगन्नाथ बावरी एवं संचालन किशोर बावरी ने किया। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता बालेश्वर बावरी, धनबाद जिला अध्यक्ष श्रीमत बावरी, राकेश, साधु बावरी, कोरा बावरी, दीपक बावरी के अलावा काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। कौन सा कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर आज? बोकारो जिला में अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति का जिला का गठन किया जाएगा और जिला अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए हम लोग आए हैं। जिला अध्यक्ष का मनोनीत करने के उपरांत संगठन को मजबूत किया जाएगा। यहाँ पर अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति का एक और जिला अध्यक्ष अपने आपको बताते हैं, सुहास बावरी। इसका दो दो अध्यक्ष हैं क्या? पहले ही बोल चुका हूँ कि वो ना तो मनोनीत हुए हैं ना हम लोग उसको गठन कराए हैं। वो अपने मन से हुए हैं, वो उनका काम है, वो जाने, उससे हमको कोई मतलब नहीं। उनका भी कहना है कि बैठक में बात हो रही थी कि आप ही 29-30 साल से केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो हम ही उनको नहीं मानते हैं। ठीक है, मत माने। उनका मानने के लिए देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग को नहीं मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा संगठन के लोग हमको मानते हैं और जब तक मानते रहेंगे तब तक रहेंगे। जिस दिन मानना छोड़ देंगे उस दिन हम पद त्याग कर देंगे। ऐसा है कि आप अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हुए हैं, आइए समिति के आप आज जिला अध्यक्ष मनोनीत कर रहे हैं, ये जो भी बन रहे वो मैंने समाज के नहीं हैं। नहीं नहीं, जो बनेंगे वो समाज के हैं ना, जो आप बनाएंगे वो समाज के रहेंगे केंद्रीय अध्यक्ष के नाते, और जो नहीं हो तो क्या मना नहीं है वो तो अपना समझे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन खुद वो बोल रहे हैं कि हम जिला अध्यक्ष हैं तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मैं खुद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दूंगा भारतीय जनता पार्टी का तो क्या मैं बन जाऊंगा? कुछ तो ऑथराइजेशन होना चाहिए। मैंने उनके पास कोई ऐसा नहीं है। नहीं, ऑथराइज नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, लीगल नहीं है। जो आज होगा वो मेन होगा और लीगल होगा। आज आप अखिल भारतीय बावरी समाज कल्याण समिति का जिला अध्यक्ष बने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि जो है हमारे समाज के जो है हम सेवा करने का मुझे मौका मिला है, और मैं तन मन धन से और पूरी ईमानदारी के साथ जो है मैं संगठन को मजबूत बनाने का काम करूंगा। और जो चुनौती भरे समय में मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी कराटे का बना चुका हूं, इसीलिए मुझे चुनौती बहुत पसंद है। और ये चुनौती जो हमको मिला है, 3 महीने जो समय दिए गया है, मैं पूरी तरह खरा उतरने का कोशिश करूंगा। समाज में क्या दिक्कत है, क्या उसके आप सुधार कीजिएगा? समाज संगान में जैसे समाज में जो जो है जो लोग कुरीति जो अपना जो शिक्षा पर और जो स्वास्थ्य पर जो हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे, और पूरे 9 प्रखंड में बोकारो जिले का मैं कमेटी बनाकर मैं माननीय केंद्र अध्यक्ष गौरचंद बावरी जी को मैं सौंपूंगा। ये 3 महीने के दरमियान ये मैं वचन देता हूँ।